हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथ का नया चैप्टर पढ़ेंगे, परसेंटेज। परसेंटेज मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत ही लंबा चैप्टर है, लेकिन हम लोग इसको बहुत ही आसानी से और ठीक के माध्यम से भी और सिंपल तरीके से भी करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। तो प्रतिशत का अर्थ होता है किसी राशि का सौवां भाग। प्रतिशत हटाने के लिए सौ से भाग दिया जाता है और प्रतिशत में बदलने के लिए सौ से गुणा किया जाता है। तो ये मेन पॉइंट है कि हम लोग प्रतिशत होता क्या है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन है 5/8 कितने प्रतिशत के बराबर है। तो हम लोग इसको परसेंटेज में बदलने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 5.8 × 100 कर देंगे। इसको हम लोग घटाएंगे 4 × 8, अब 4 × 25 क्या हमारा हो जाएगा 100। तो इसको करेंगे 25 × 125/2 हमारा 62 सही 1/2% आंसर हो जाएगा, सिंपल निकल गया। तो यही परसेंटेज का बेसिक होता है। आइए हम लोग आगे और देखते हैं। देखिए, ये कुछ परसेंटेज वैल्यूज हैं जो हमको अगर याद रहे तो क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं, क्वेश्चन लगाना हमारा बेहद आसान हो जाएगा। ये याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन लगाना हमारा बहुत आसान हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत फायदा करेगा। देखिए, जैसे 1 को 100% पूरा 100% होता है, 1/2 मतलब 50%, 1/3 = 33 सही 1/3%, 1/4 = 25%, 1/5 = 20%, 1/6 = 16 × 2/3%, 1/7 = 14 × 2/7%, 1/8 = 12.5%, 1/9 = 11 1/9%, 1/10 = 10%, 1/11 = 9 × 1/11%, 1/12 = 8 × 1/3%, 1/13 = 7.16%, 1/14 = 7 सही 1/7%, 1/15 = 6 सही 2/3%, 1/16 = होता है 6 सही 1/4%, 3/8 = 37 सही 1/2%, 5/8 = होता है 62 सही 1/2%, 7/8 = होता है 87%, 5/6 = होता है 83 सही 1/3%। तो अगर ये हमको याद रहेगा तो अगर मान लीजिए दे दिया कहीं पे कि इसका इतना परसेंट, इसका इतना मल्टीप्लाई बाई 1/13, तो इसका मान इतना हम लोग डायरेक्टली रख देंगे। या फिर किसी संख्या का दे दिया 87%, तो उसके जगह पर हम लोग 7/8 रख के तुरंत अपना कटा के सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। इसलिए क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैंने बताया है। तो आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है हमारा 729 का 11 सही 1/9%, 256 का 6 सही 1/4% से कितना अधिक है। तो अगर इसका हम लोग डायरेक्ट पता रहेगा कि ये कितने के बराबर होता है तो हम डायरेक्ट मान रख देंगे। जैसे कि 729 11 सही 1/9 मतलब कि 1/9 कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है, तो माइनस कर देंगे −2256 × 6 6 सही 1/4 कितना होता है, तो 1/16 के बराबर होता है। इसको हम लोग कटा देंगे तो हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा आपका 16 इक्वल टू हमारा आंसर हो जाएगा 65। देखिए, तो हमको एक पता था तो हम लोग डायरेक्टली कर लिए, तुरंत आंसर आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। तो जिससे तुलना करना होगा हमें उससे हम लोग भाग देंगे। तो x/y × 100 यह हमारा आंसर आ गया। तो आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि हमसे कह दिया कि 2/3, जैसे कह दिया हमसे कि 2/3 2/5 2/3 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जिससे तुलना करना है उससे हम लोग भाग देंगे, 2/5 × 2/3 तो वैसे हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/5 उल्टा हो जाता है, 3/2 हो जाएगा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/5। तो इसको परसेंटेज निकालना है × 100। तो 5 से कर दीजिए 20 20 60 60% हो जाएगा आंसर हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहे, देखिए किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों से 40 अधिक है, तो बताइए लड़कों की संख्या लड़कियों का कितना परसेंट है। इसमें सिंपली हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों हम लोग। देखिए मान लीजिए ये हो गया बॉय प्लस गर्ल्स इक्वल टू 360 हो गया, और ये बोला है कि लड़कियों से 40 अधिक है, तो बॉयज माइनस गर्ल इक्वल टू 40 हो गया। तो ये कितना निकल जाएगा, गर्ल्स कट जाएंगी, तो 2 बॉयज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, ये ऐड किए हैं तो ये हमारा आ जाएगा 400 आ जाएगा, तो बॉयज बराबर आ जाएगा हमारा 200। तो लड़के जो हैं, लड़कों की संख्या 200 है, तो लड़कियों की संख्या कितने हो जाएगी, तो 200 प्लस गर्ल्स इक्वल टू 360, तो गर्ल्स की संख्या आ जाएगी 160। तो अब ये बोला क्या है, गर्ल की संख्या 160 आ गई, बॉयज की संख्या 200 आ गया। तो ये पूछा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो जिससे तुलना करना रहता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो देखिए लड़कों की संख्या कितना है, 200 है, लड़कों की संख्या है हमारा 200, लड़कों की संख्या लड़कियों का तो डिवाइड बाई 160, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग अब इजिली हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सॉल्व करेंगे, ये कर दिया, 4 से कटाते हैं, 4 जा 16 और 4 25 जा 100 हो गया, 25 25 दूनी 50 हो गया, ओ नहीं हो गया, अब यहाँ पे ये 2 जा 4 हो गया, ऊपर हो गया हमारा 250 बच गया, 250 बाई 2 तो इक्वल टू हो जाएगा 125%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या का 100 लड़कियों की संख्या से 125% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमको कहेगा, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा अगर हम लोग कि 3% 5% का कितना परसेंट है, 3% 5% का कितना परसेंट है, प्रतिशत है, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली जिससे हम लोग जिससे तुलना करना है उसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो 5 से कटा दीजिए, आराम से आ गया आपका 2 3 60% आंसर हो जाएगा आपका। तो ये हम लोग का परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने आज समझा। तो आइए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो कि यदि प्रतिशत भाग बराबर हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि यदि मान लीजिए क्वेश्चन क्या का, ए का x% बराबर बी का y% बराबर सी का z%, मतलब ए का जो x% है वो बी के y% के बराबर है और सी के z% के बराबर है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको इसका मतलब ये हो गया कि ए संबंधे बी संबंधे सी इक्वल टू हो जाएगा 1/x संबंधे 1/y संबंधे 1/z, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और अगर दो राशि होगी, अगर दो राशि होगा जैसे कि यदि दो राशि हो, यदि दो राशि हो जैसे कि ए का x% बराबर बी का y%, तो क्या हो जाएगा कि ए संबंधे बी बराबर वाई संबंधे एक्स हो जाएगा, मतलब कि प्रतिशत भाग ये हो जाएगा हमारा, ये याद हम लोग का समझने वाली बात है कि मतलब अगर दो राशि होंगी तो प्रतिशत को पलटने
पर हम रेशियो प्राप्त कर लेंगे। मतलब कि ये था कि अगर ए का एक्स परसेंट बी के वाई परसेंट के बराबर है, अगर दो रहते हैं तो ए संबंधी बी बराबर वाई संबंधी एक्स हो जाएगा। पर सब को पलट देंगे तो हमारा ये रेशियो प्राप्त हो जाएगा दोनों संख्याओं का। ठीक है फ्रेंड, तो आइए फिर हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिए ये दो दो राशि का इक्वालिटी दे दिया है। जैसे कि यदि क्वेश्चन दिया है कि यदि ए का 18% बराबर बी का 24%, तो हम बी का 15% बराबर सी का 18% है, तो ए सी का कितना परसेंट है। तो हम लोग आगे अभी हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ा कि जब दो राशि हो तो उसको प्रतिशत भाग को पलटने पर हम उस राशि का रेशियो प्राप्त कर लेंगे। तो जैसे ये ए का 18% बराबर बी का 24% है, तो ए संबंधित बी क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी बराबर हो जाएगा, ये पलट जाएगा, 24 पहले आ जाएगा, 24 संबंधित 18। ठीक, अब ऐसे ही करेंगे हम लोग, बी रेशियो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, चेंज कर देंगे, वैसे ही चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 18:15 आ जाएगा। ठीक, तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ए संबंधी अब निकालेंगे हम लोग पहले, तो ए संबंधे बी संबंधे सी इक्वल टू आ जाएगा 24 18, हमारा कॉमन है तो ये आएगा बीच में 18:15। तो अब ये ए का मान हो गया 24, बी का मान हो गया हमारा 18 और सी का मान हो गया 15। तो अब ये पूछा क्या है कि ए सी का कितना परसेंट है, तो ये है 24 24, सी का कितना परसेंट है, तो जिससे हमको तुलना करना है वो डिवाइड में आएगा, तो 24/15 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम कमाएंगे 5 3 जा 15, 5 से कटाएंगे 20 आ जाएगा, और इससे 3 8 24 8 हो जाएगा, 8 2 16 160% हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन पढ़े हैं, और जो कि ट्रिक के माध्यम से एक दो क्वेश्चन बताए हैं, तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और परसेंटेज आपको मेरी परसेंटेज की क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।